देखिए कैसे ताबड़तोड़ चल रही है पाकिस्तानी आतंकी पर गोलियां। एक दो राउंड नहीं बल्कि इतने राउंड की गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। अब ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आतंकी हाथ में बंदूक लिए भाग रहा, तभी अचानक भारतीय सेना की गोलियां चलने लगती है और आतंकी पेड़ के पीछे छिप जाता है। अब आगे क्या कुछ हुआ इस आतंकी के साथ, उससे पहले एक बार फिर से इस आतंकी पर बरसाई गई गोलियां देखिए। ये वीडियो गवाही दे रहा कि आतंक का इलाज किस तरह से भारतीय सुरक्षा बल कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो कश्मीर के बारामूला से सुरक्षा बल और आतंकी के बीच की मुठभेड़ का है। इसमें साफ दिखाई दे रहा कि आतंकी फायरिंग करने के बाद भागने के फिराक में था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया और तड़ातड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इससे आतंकी घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। वो जैसे ही गिरा उसके हाथ से हथियार छूट गया, लेकिन उसने रेंगते हुए बंदूक उठाई, लेकिन सामने से आ रही गोलियों की बौछार से वो वहीं पर ढेर हो गया। बता दे आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच शनिवार को मुठभेड़ हुई थी। ये वीडियो भी उसी एनकाउंटर का है। बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में शनिवार को 3 आतंकवादी जहन्नुम भेज दिए गए। अधिकारियों ने इसे विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण सफलता बताया। उत्तरी कश्मीर जिले के पट्टन इलाके में चक टापर क्रीरी गांव में अभियान के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सेना के 10 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल के कमांडर ब्रिगेडियर संजय कन्नोत ने कहा कि सुरक्षा बलों को क्रीरी में आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में इनपुट मिला। हमें खुफिया एजेंसियों से चक टापर में कुछ अज्ञात आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी मिली थी। इसके बाद संदिग्ध स्थान पर घेराबंदी कर ली गई। एक खाली पड़ी इमारत में छिपे आतंकवादियों ने हमारी टुकड़ियों पर गोलीबारी की। इसके बाद हमने जवाबी गोलीबारी की। इलाके की घेराबंदी की गई और अतिरिक्त बल भेज दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि आतंकवादियों ने रात भर सैनिकों पर लगातार भारी गोलीबारी जारी रखी, जिसका प्रभावी ढंग से जवाब दिया गया। सुबह भी अभियान जारी था। हमारे सैनिकों ने बहुत ही पेशेवर तरीके से आतंकवादियों से मुकाबला किया और नागरिकों की जान माल को कोई नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें मार गिराया। ब्रिगेडियर ने कहा कि अभियान में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया और बड़ी मात्रा में युद्ध जैसी सामग्री बरामद की गई। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने ये साफ कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में आगामी संवेदनशील घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ये अभियान काफी अहम है और सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी सफलता है। तो ये बयान था, लेकिन जिस तरह से इस आतंकी की ठुकाई का वीडियो सामने आया है उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।